बच्चों नमस्कार। आज अपन एक नई ट्रिक के साथ जहां अपन गुणा कुछ सेकंड में ही कर लेंगे, कुछ ही सेकंड में। देखो आप कैसे, देखिए आप 11 इंटू 13, 12 का 142, एकम 143, 324, एकम 323, 48 कितना होगा बच्चों बोलो, 2303। 96 इंटू 91, 97 और कितना होगा बताओ, 98 और 37 35, 1295। देखो कुछ ही सेकंड में अपना गुणा कर लिए। 17 इंटू 23, 391, 28 इंटू 32 बच्चों कितना होगा, 896। 47 इंटू 23, 2500 में से 9 कम करो आप, 2491। 11 इंटू 19, 225 में 16 कम करो, 209। 625 में 4 कम करो, 621। कुछ ही सेकंड में गुणा सीखे बच्चों, ये ट्रिक आप भी कुछ सेकंड में सीख सकते हैं। देखिए 8 दुनी 16, 1 इंटू 2 2, 7 21, 8 इंटू 9 72, 6 चौक 24, 7 8 56, 5 इंटू 5 बच्चों कितना होता है, 25, 6 7 42। देखो बच्चों कुछ ही सेकंड में आपने गुणा कर लिया आराम से, कितने 15 गुणा आपने मुश्किल से एक मिनट के अंदर कर लिए। अब देखिए बच्चों इनका लॉजिक क्या है, कंसेप्ट अपने का, ये संख्या है मान लीजिए, जैसे अपन कह रहे हैं 11 इंटू 13, 17 इंटू 19। आप देखिए बच्चों आपको वर्ग याद है क्योंकि पिछली ट्रिक में अपन ने वर्ग सीखा था और बहुत ही चुटकियों में। तो देखिए 11 और 13 के बीच में कौन है, 12। 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144, और इससे एक कम कर दो क्योंकि ये एक ज़्यादा है ये एक कम है, तो एक कम कर दो आप, तो 143। 17 इंटू 19, 17 और 19 के बीच में कौन है, 18, और 18 का स्क्वायर आप जानते हो सब, 324, और एक कम कर दो, 323। 47 और 49 बीच में कौन है, 48, और 48 का वर्ग आपने सीखा है कि 50 का होता है 2500, 48 दो कम है तो 2304, यहाँ अपन एक कम कर देंगे तो 2303। 96 और 98, आपने 97 का वर्ग सीखा है, याद है सबको कैसे सीखा था आपने, कि ये 100 से 3 कम है तो 3 3 9 आएगा, और इसमें से 3 कम करेंगे तो 94 आएगा, ये 97 का वर्ग है, और ये 97 से एक ज़्यादा है और ये एक कम है, तो ये कितना हो जाएगा, एक कम कर दो, 9408। 35 इंटू 37, तो 35 और 37 के बीच में कौन है, 36, और 36 का वर्ग 1296, और एक कम कर दोगे तो 1295। तो इन संख्याओं में देखिए बच्चों ये संख्याएं एक छोड़ के एक गैप पर है, और दो संख्याएं कोई सी भी हो जहां अंतराल एक का हो, बीच में एक गैप हो, तो उस संख्या का आप वर्ग करके और एक कम कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल और लीजिए, आपसे करवाते हैं। आपने कहा सर 51 इंटू 53 कितना होगा, देखिए ध्यान से 51 और 53 के बीच में कौन है, 52, और 52 का स्क्वायर अपन ने पहले ही सीख चुके हैं पर लोग पिछली ट्रिक में, कैसे हैं कि भाई 50 से दो ऊपर है तो 25 में दो जोड़ोगे तो कितना आएगा, 27, और 2 का स्क्वायर 4, तो अपन 52 का स्क्वायर जानते हैं, हमें चाहिए 51 इंटू 53, तो 52 से ये एक कम है और ये एक ज़्यादा है, और एक इंटू एक क्या होता है, एक, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें से एक कम कर देंगे तो क्या आएगा, 2703। कुछ बैठा समझ में, और देखिए 96 इंटू 98 है, तो इन दोनों के बीच में कौन है, 97, और 97 का वर्ग आपने सीखा था कैसे है कि ये 100 से 3 कम है तो इससे और 3 कम कीजिए, 94, और 3 का स्क्वायर है 9। अब ये 97 का स्क्वायर है 9409, और ये एक कम है एक ज़्यादा है तो एक कम कर दीजिए, कितना आया, 9408। कुछ बैठा, फिर देखिए कोई संख्या बोलिए आप, 57 इंटू 59, ये इसमें बीच में कौन है, 58, और 58 का वर्ग आपको याद है,
कैसे, ये 50 से 8 ऊपर है तो 8 का स्कोर तो आएगा 64, और 25 में 8 जोड़ो, 25 से 8 33, 3364 है, और ये एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3363। इस तरह आप किसी भी संख्या का, दो संख्याओं का गुणा कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। बस ये वर्ग बीज की संख्या से एक ज़्यादा है और एक कम है। तो पहला कंसेप्ट हम देखा ये वाला, अब देखिए सेकंड कंसेप्ट। यहाँ तो दोनों संख्याओं में दो का अंतर था ओनली, तो दो संख्याओं में दो का अंतर था तो अपने बीज की संख्या का वर्ग किया और उससे एक कम कर दिया, इससे अपने गुणा बहुत ही कम समय में कर दिया। अब देखिए सेकंड में गैप कितना भी क्यों ना हो, दो चाहे सम विषम संख्या हो चाहे दोनों सम संख्या हो, और गैप कितना भी क्यों ना हो, आप बीज की संख्या देख लीजिए कैसे, देखिए या तो अपन यूं देखें कि इन दोनों के बीच में कौन संख्या है, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो कौन बीच में है, 20। देखिए 17 और 23, 18, 19, 20, 21 और 22, तो बीच में कौन हुआ, 20, और 20 का स्कोर क्या होता है 400। अब ये 20 से 3 तो ज़्यादा है और ये 3 कम है, तो 3 तिया 9 कम कर दीजिए, कितना आ गया 391। आप बीज की संख्या नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप देखिए कि इन दोनों का जोड़ क्या है 40, और 40 का आधा क्या होता है 20, तो जोड़ 40 है आधा 20 है, तो 20 का स्कोर कीजिए, 3 ज़्यादा है तो 9 कम कीजिए। 28 और 30 32 के बीच में कौन है 30, 30 का वर्ग होता है 900, और ये 2 ज़्यादा है तो 2 दूनी 4 कम कर दीजिए, तो 900 में से 4 कम कर दिए 896 है कमाल। फिर देखिए 47 और 53 बीच में कौन है 50, 50 का क्या होगा 2500, और 3 ऊपर है तो 3 तिया 9 कम कर दीजिए 2500 में से 2491 11 इंटू 19, 11 और 19 होते हैं 30, और 30 का आधा क्या होता है 15, और 15 का वर्ग सब जानते हो 225, 15 का वर्ग 225। अब ये 15 से 4 ज़्यादा है और ये 4 कम है, तो 4 चौक 16 कम कर लूँ तो कितना आ गया 202। 23 और 27 इनके बीच में कौन है 25, और 25 का वर्ग अपन जानते हैं 625, और 25 से ये 2 ज़्यादा हैं ये 2 कम हैं, तो 2 दुनी 4 कम कर दीजिए कितना आएगा 621। कुछ एग्जांपल और देखिए जो आपके मन में घूम रहे हैं, अपन इसे किसी भी संख्या को इंटू कर सकते हैं, इसके लिए आपको स्कोर्स याद होने चाहिए जो अपन फर्स्ट टिक में पढ़े हैं। फिर देखिए आपने कहा सर 17 इंटू 25, अब देखो 25 और 17 होते हैं 42, कितने होते हैं 42, उसका आधा होता है 21, इसका ना इनके बीच में है 21, और 21 और 21 का स्कोर होता है 441, और 21 से ये 4 ऊपर है तो 4 चौक 16 कम कर दीजिए, तो 441 में से 16 कम कीजिए कितना आएगा 425, 425। और देखिए 18 इंटू 28 ये करना अपन को, तो अपन जानते हैं 18 और 28 के बीच में कौन है 23, कैसे 18 और 28 कितने होते हैं 46, और 46 का आधा क्या होता है 23, और 23 इनके बीच में है और 23 का स्कोर क्या होगा 529, और 23 से ये 5 बड़ा है तो 5 25 कम कर दो आप तो कितना आएगा 504। कोई सी दो संख्या बोलिए, आपका सर 56 इंटू 64 कीजिए, इन दोनों बीच में कौन है 60, और 60 का वर्ग क्या है 3600, 60 का वर्ग जानते हो आप 3600, और ये 4 ऊपर है तो 416 कम कर दो तो कितना आएगा 3584। इस तरह आप किसी भी दो संख्याओं का गुणा बड़ी आसानी से और कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। फिर देखिए इस तरह संख्या मान लो सी पार्ट में, यहाँ हमने क्या देखा, या तो दो विषम होने चाहिए या दो सम संख्या होनी चाहिए, ये हमने देखा बस केवल,
कोई सी दो विषम, कोई सी दो सम, बस जोड़ो, आधा करो, वर्ग करके कितना ज़्यादा या कम है उसका वर्ग कम कर दो। फिर देखिए सी पार्ट, सी पार्ट में अपन का सी पार्ट में यहाँ इकाई का जोड़ क्या है, 10 है, देखो आप सभी में, और दहाई का अंक क्या है, समान है। इकाई का योग 10 है और दहाई का अंक दोनों क्या है, समान। देखो 8 8 7 7 6 6 5 5 दहाई, समझते हो, पहला इकाई दूसरा दहाई, इस तरह। अब करना क्या है, इकाई को इकाई से गुणा करना है और दो अंकों में संख्या लिखनी है और दहाई को एक बढ़ाकर इंटू करना है। जैसे ये एक है ना तो दो से करना है, ये 8 8 है ना तो 9 से करना है, ये 7 7 है तो 8 से करना है, क्योंकि 7 के बाद गिनती में 8 आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 2 16 और 1 × 2 2, 7 × 3 21, 8 × 9 72, 6 × 4 24 और 7 × 8 56, 5 × 5 25, 6 × 7 42, 9 × 1 9, दो अंकों में आएगी ना, तो दो अंकों में आएगी तो 9 × 1 को गुणा करते हैं तो एक अंक आता है 9, हमने दो अंकों में लिख दिया 0 9, क्योंकि यहाँ तो दो अंक थे पहले से ही, 8 × 2 16, 7 × 3 21, 4 × 6 24, पर यहाँ तो दो अंक नहीं है तो हमने दो अंक लिख दिए 9, और 5 को हमने 6 से किया, 5 × 6 30, 5 × 6 30। तो इस तरह गुणा अपन किसी का भी, चाहे दो सम संख्या हो, चाहे दो विषम संख्या हो, या इकाई के अंकों का जोड़ 10 हो और दहाई का अंक समान हो, इन संख्याओं का गुणा अपन कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। ये ट्रिक बच्चों बार बार ट्राई कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।